दोस्तों, आखिर हनुमान जी को बजरंग बली क्यों कहा जाता है? महाबली हनुमान जी को कई नामों से पुकारा जाता है। उन्हें बजरंग बली, संकट मोचन, अंजनी सूत और वायुपुत्र जैसे अन्य कई नामों से जाना जाता है। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं कि उन्हें बजरंग बली क्यों कहा जाता है। इससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कपि रूप में हनुमान जी को कोई संकट नाशक के रूप में पूजता है तो कोई कास संवारने के लिए याद करता है। रामायण कथा के अनुसार हनुमान जी जब छोटे थे वो बेहद ही नटखट थे। ऐसे में एक बार उन्होंने खेल खेल में सूर्य को निगल लिया, जिसके चलते चारों ओर अंधेरा छा गया। इस बात की खबर लगते ही देवराज इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार कर दिया, जिसके चलते हनुमान जी मूर्छित हो गए। भवन देव ने अपने पुत्र की ऐसी दुर्दशा देखकर उन्होंने प्राणवायु का संचार रोक दिया, जिसके बाद ब्रह्मदेव के आदेश पर सभी देवताओं ने हनुमान जी को कुछ न कुछ वरदान दिया। सभी देवताओं की तरह देवराज इंद्र ने भी उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारा शरीर वज्र का बन जाए, ताकि तुम पर किसी भी शस्त्र या अस्त्र का असर ना हो। और तभी से उनका नाम बजरंग बली पड़ गया। वही दूसरी मान्यता के अनुसार एक बार हनुमान जी माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देखते हैं, जिसके बाद हनुमान जी इसका कारण पूछते हैं, जिसका जवाब देते हुए माता सीता कहती है कि वे अपने पति श्री राम की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह सिंदूर लगाती है। माता सीता की यह बात सुनकर हनुमान जी को ख्याल आया कि जब इतना सिंदूर लगाने से भगवान राम को इतना लाभ मिलता है, तो पूरे शरीर में सिंदूर लगाने से भगवान राम अमर हो जाएंगे। इसलिए वे जय श्री राम नाम बोलते हुए अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लेते हैं। जब प्रभु राम इस अवस्था में हनुमान जी को देखते हैं, तो वह इसका कारण पूछते हैं। तब हनुमान जी माता सीता की सारी बात प्रभु श्री राम को बताते हैं। यह बात जानकर श्री राम जी हनुमान जी के भक्ति से प्रभावित होकर आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, आज से आपको बजरंग बली नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली अवश्य लिखें और वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।